मोदी सरकार द्वारा देश में खाद के रेट 1200 रुपए से बढ़ाकर 1900 रुपए कर दिए गए और अब जन विरोध के चलते सब्सिडी बढ़ा दी गई। इस पर भाजपा नेता इसे ऐतिहासिक फैसला कहकर प्रचारित कर रहे हैं, जबकि यह रोल बैक है। यह कोई ऐतिहासिक फैसला नहीं बल्कि खाद कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए जनता के पैसे की लूट है। यह बात प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा ने आज जारी प्रेस विज्ञप्ति में कही। किसानों को खाद पर सब्सिडी बढ़ाने के फैसले के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको ऐतिहासिक फैसला बोल रहे हैं, जबकि ये रोल बैक है। किसानों को पहले तो 1200 रुपए में जो खाद मिलती थी वो 1900 रुपए में कर दी गई और सब्सिडी के नाम पर ये जो फ़ायदा हुआ है ये खाद कंपनियों के लिए फ़ायदा है। ये तो तब फ़ायदा होता अगर आप खाद के रेट कम करते। ये तो जनता का ही पैसा, किसानों का ही पैसा आपने सब्सिडी के नाम पर निजी कंपनियों को दे दिया और इसको आप ऐतिहासिक फैसला बोलते हैं। ये ऐतिहासिक फैसला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में किसान विरोधी जो है वो इनका डीएनए है। ये कभी भी किसानों के हक में नहीं रहे हैं। अगर किसानों के हक में होते तो आज किसान अभी भी 6 महीने से आंदोलन में हैं, उनके तीनों जो काले कानून हैं उनको वापस लेते। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 74,000 करोड़ रुपया किसानों का ऋण माफ़ी की थी, ये ऋण माफ़ी करते तब हम कहते हम भी धन्यवाद करते भारतीय जनता पार्टी सरकार का। लेकिन इनके डीएनए में ही जो है वो किसान विरोध है। ये जिस तरह से इसको ऐतिहासिक फैसला बोल रहे हैं ये ऐतिहासिक नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जनता का ही पैसा, किसान का ही पैसा जो है वो खाद कंपनियों की जेब में डाला गया है। इसलिए इसको ऐतिहासिक कहना भारतीय जनता पार्टी का छलावा है और कुछ नहीं है।